आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित हुए सीएम बैनर राष्ट्रीय कैडेट कोर के सम्मान समारोह में गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में हुए कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के प्रतिभागी छात्र छात्राओं को मेडल्स एवं पुरस्कार राशि प्रदान कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में कहा है कि भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है। इसमें जल वायु थल सेना की संख्या मात्र 13.5 लाख है और इन 13.5 लाख जवानों पर पूरा देश अपनी सुरक्षा का विश्वास करता है। हमारी सेना हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। गौरवशाली परंपरा से रूबरू होने का मार्ग अगर कहीं से निकलता है तो वो एनसीसी से होकर जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि एनसीसी के कार्यक्रम में भाग लेना अपने परिवार में आने के समान है। मैं स्वयं शाला स्तर पर एनसीसी का सक्रिय कैडेट रहा हूं। मुझे विश्वास है कि कैडेट्स अगले वर्ष प्रथम स्थान का लक्ष्य रखकर परिश्रम के साथ निरंतर प्रयास करेंगे। एनसीसी का ध्येय वाक्य एकता, अनुशासन और संगठन के प्रति समर्पण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद जी ने 100 साल पहले कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। कोविड की चुनौती के बावजूद यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी क्षेत्रों में देश को आगे बढ़ाया है। आज भारत दुनिया में न केवल लोकतंत्र की ताकत दिखा रहा है बल्कि यहाँ की अच्छाइयाँ भी बांट रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दीपावली का पर्व सीमा पर खड़े सेना के जवानों के साथ मनाकर अद्भुत आदर्श प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में आयोजित मध्य प्रदेश लीडरशिप समिट में मंत्रिपरिषद के प्रशिक्षण एवं ओरिएंटेशन कार्यक्रम में सहभागिता की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर शुभकामनाएं और बधाई दी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि श्री आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए हम सब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं। ये सबके लिए अत्यंत गौरव और आनंद का विषय है।